वहीं कॉलेज परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। 18 साल तक के युवाओं का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, कोविड गाइडलाइन का पालन करके परीक्षा दी जा सकती है। अगर कोई छात्र पॉजिटिव होता है तो उसे अगले सेमेस्टर में चांस दिया जाएगा। आइए सुनते हैं। अभी तक ऑफलाइन परीक्षाओं की तरफ हम जा रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक के युवाओं की वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा, एक बार में 300 विद्यार्थी बैठते हैं तो पर्याप्त स्पेस भी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करके परीक्षा दी जा सकती है। अगर कोई छात्र छात्रा कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए अवसर मिल सकता है, एक चांस और उसे अगली परीक्षा का दे सकते हैं और इस तरह से परीक्षा कराने पर वर्तमान में विचार होगा।